T20 World Cup 2022, वही कहानी फिर एक बार। बड़े टूर्नामेंट के बड़े मैचेस में पहुंचो और हार। इंग्लैंड ने इंडिया को सेमीफाइनल मैच में हराया 10 विकेट से और पहुंच गया फाइनल में। इंडिया टूर्नामेंट से बाहर। 2013 में इंडिया ने जीती थी चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद से इंडिया कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाया। हर बार सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचते हैं पर वहां पर जाकर हार मिलती है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए थे। जो बीत गया सो बीत गया। अब बात करते हैं आने वाली T20 सीरीज के बारे में, जो है वर्सेस न्यूजीलैंड। 18th ऑफ नवंबर को ये एक सीरीज स्टार्ट होगी और जो स्क्वाड है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। हार्दिक पांड्या टीम के कैप्टन है, वाइस कैप्टन है ऋषभ पंत, काफी यंगस्टर्स को मौका दिया गया है। शुभमन गिल पहली बार T20 में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे और जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते रेस्ट दिया गया है। पर क्या ये रेस्ट है या फिर इशारा है कि आने वाले टाइम में T20 की जो टीम है वो पूरी तरह से बदली हुई दिखाई देगी। अब जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो हैं ऑलमोस्ट मिड 30s में और जो अगला T20 वर्ल्ड कप है वो है 2024 में। मानो या ना मानो कुछ सीनियर खिलाड़ी हमें उस T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। सुनील गावस्कर ने कहा कि आने वाले टाइम में कुछ रिटायरमेंट्स T20 से हमें देखने को मिल सकती हैं और वर्कलोड मैनेजमेंट की तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि जब IPL होते हैं तो आपका वर्कलोड मैनेजमेंट कहां जाता है। आप सभी मैचेस खेलते हो, ट्रैवल करते हो पर आप किसी भी मैच से रेस्ट नहीं लेते हो, पर जब इंडिया की बारी आती है आपका वर्कलोड मैनेजमेंट पता नहीं कहां से निकल कर आता है। अगर आप बार बार ओपनिंग पेयर को चेंज करोगे तो वो बॉटिंग कहां से बनेगी, और यही सेम बात अप्लाई होती है बॉलर्स पर। सुनील गावस्कर ने साथ में ये भी कहा कि आने वाले टाइम में हार्दिक पांड्या को T20 का कैप्टन होना चाहिए। अब रिटायरमेंट्स होंगी या नहीं होंगी वो तो आने वाले टाइम में हमें पता लग जाएगा, पर एक बात जिस पर हम सभी को गौर फरमाने की जरूरत है वो है हार्दिक पांड्या T20 के कैप्टन। गाइस हार्दिक पांड्या वर्सेस आयरलैंड उन्होंने कैप्टेंसी की थी और दोनों मैचेस में इंडिया को जीत मिली थी। अभी वर्सेस न्यूजीलैंड वो टीम इंडिया के कैप्टन है। इस साल IPL में गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या आने वाले टाइम में हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के कैप्टन होंगे इन द T20? क्या इससे टीम इंडिया को फायदा होगा? आपकी जो भी राय है वो नीचे आप कमेंट्स में दे सकते हो, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करने से बिल्कुल मत शर्माना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी अपडेट्स आए वो आप तक पहुंचे सबसे पहले बिना किसी रुकावट के। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो फेसबुक पर तो हमें लाइक करना, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। और आपको अपडेट्स का एक और जरिया बताऊं, टेलीग्राम पर जाकर हमें ज्वाइन करो, फिर देखो वहां पर बहुत सारे अपडेट्स हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं चलता हूं, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।